वेरी वेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टेक। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने पल्सर 150 का फ्रंट का लुक 180 में कन्वर्ट किया था और अभी मेरी बाइक का पूरा काम बाकी। दोस्तों, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि पल्सर 150 नियॉन में और पल्सर 150 क्लासिक में फ्यूल टैंक पर फ्लैप कवर लग सकते हैं, तो मैं आज उसी पर ही ये वीडियो लेकर आया हूँ और मैंने उसको पूरा कम्प्लीट कर दिया और मैं उसमें कामयाबी हुआ हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरे पास पल्सर नियॉन बाइक तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने दोस्त नाजिम से ही ये पल्सर का फ्यूल टैंक मांगा और मैंने इस पर ही ये अपने फ्लैप कवर इसमें इंस्टॉल किए हैं और वो मैंने जो इंस्टॉल किए हैं वो देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया है। बाकी वो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कि मैंने इस फ्लैप कवर को किस तरीके से इस फ्यूल टैंक में इंस्टॉल किया। दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सारा सामान दिखा दूं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये जरूरत पड़ेगी हमें फ्लैप कवर की। ओके, उसके बाद एक एमसील, ये छोटा एमसील 10 रुपए में मिल जाएगा आप लोगों को। ये सात नंबर के दो स्क्रूज हैं। ओके, दो नट बोल्ट हैं जिसमें देखिए दो बोल्ट हैं और दो वार्सल्स हैं। ओके, और 10 नंबर के ये 1-1 इंची के हैं और ये 2-2 इंची के हैं, 10 नंबर के दो स्क्रू। ओके, इस तरह से आपको 2 इंची के पूरी चूड़ी वाले भी मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर हाफ चूड़ी में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 नंबर के दो स्क्रूज हैं और इसमें भी 2-2 बोल्ट लगेंगे। ओके, और ये है दोस्तों विनाइल टेप, जो हम रैपिंग अपनी बाइक में रैपिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, ये वो है। ये मैंने 2 इंची चौड़ा और 8 इंची लंबा के मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं। ओके, उसके बाद हमें निशान पढ़ने के लिए जरूरत पड़ेगी एक पेंसिल की और एक व्हाइट कलर की पेंसिल कलर की। उसके बाद उसी विनाइल के टुकड़े से हमने दो ये इस तरह से कट करके बना लिए। ओके, और उसके बाद हमें जरूरत पड़ने वाली है 2 डबल साइडेड टेप की। ये फोम टेप है डबल साइडेड, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा किसी भी बुक शॉप पर। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस फ्लैप कवर को हम अपनी बाइक में कैसे इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे पास पल्सर 150 ऑलरेडी है, तो मैं एक और पल्सर तो नहीं खरीद सकता इसके लिए, इस छोटी सी वीडियो के लिए, तो मैं इस फ्यूल टैंक का यूज करने वाला हूँ। इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये पल्सर 150 का ही फ्यूल टैंक है और इसमें कोई भी फ्लैप कवर लगाने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है। ओके, तो अब हम इसमें फ्लैप कवर लगाने के लिए इस विनाइल टेप का यूज। ओके, इस विनाइल टेप का यूज मैं इसलिए करूंगा ताकि हमारी जो फ्यूल टैंक का पेंट है वो खराब ना हो। ओके, तो वो किस तरह से करना है वो हम इसको ही देखिए इस तरीके से यहाँ पेस्ट कर लेंगे। चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, मैंने ये पेस्ट कर दिया है। ठीक, इसी तरीके से इस साइड भी पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो चलिए इधर भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, मैंने इस पे दोनों साइड में विनाइल टेप पेस्ट कर दिया। अब हम इसको रख लेते हैं थोड़ा साइड में। दोस्तों, अब हम अपने इस फ्लैप कवर में इन स्क्रू को लगा लेते हैं निशान लगाने के लिए। ओके, चलिए, मतलब 1 इंच पर हाफ पर इसको मैंने आधा कस लिया है। ओके, और इसको मैं इसके अंदर इस तरह से सेट करके इसके ऊपर का बोल्ट मैं इस तरह से लगा देता हूँ। ओके, चलिए ये हो गया, देख सकते हैं। और इस वाले को देखिए, ये बिल्कुल इतने पे ही रहेगा। ओके, इसके हम ऊपर का ये बोल्ट खोल लेते हैं और ये वार्सल खोल लेते हैं, एक वार्सल। ओके, और इसको भी हम, ये देख रहे हैं आप लोग, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हम इस तरह से लगा लेंगे। चलिए मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा इसको बढ़ा के। आप इस 7 नंबर की जगह 10 नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका हॉल देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए इसका ये जो हॉल देख रहे हैं ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मेरे पास 10 नंबर के नहीं थे तो मैंने 7 नंबर का ही लगा दिया इसमें, क्योंकि मेरे पास वार्सल है। ओके, तो ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, मैंने इस तरीके से इसको इसमें लगा दिया। ओके, अभी हमें इसको पूरा टाइट नहीं करना है, क्योंकि अभी सिर्फ हम इसका यूज अपने फ्यूल टैंक पर निशान लगाने के लिए कर रहे हैं। ओके, तो इन दोनों को मैंने इस तरीके से लगा लिया है। ओके, तो चलिए इससे अब हम निशान लगा लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम अपने फ्यूल टैंक पर ये निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया और ये हो गया। ओके, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हमने सेट कर लिया है और सेटिंग के हिसाब से ही हम अपने फ्यूल टैंक पर
निशान लगा लेंगे। इसको हम नीचे भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप स्पेस है। ओके, तो नीचे करेंगे तो हमको थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ के मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर इतना लंबा हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ओके, और ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर। ओके, इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। और उसके बाद में अब इस निशान को हम बिल्कुल सही कर लेंगे इस तरह से करके। और इसके बीच में हम कहीं भी लगा सकते हैं। और ये निशान हो गया हमारा यहाँ का गोल, ये देखिए। अभी मैंने एक YouTube पर वीडियो देखी थी, उस वीडियो में यूट्यूबर ने बहुत ही सीधे ढंग से ये बता दिया कि आप वेल्डर के पास जाकर के इसके पॉइंट बनवा सकते हैं और अपनी टैंक में इस फ्लैप कवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे फायदा क्या होगा दोस्तों? उससे तो हमें नुकसान होगा, उससे हमारी टैंक का जो है पेंट खराब हो जाएगा, हमारा फ्यूल टैंक लीक भी हो सकता है। तो हम ऐसा रिस्क ही क्यों लें जब हम इजिली अपने घर पे ही फ्लैप टैंक को वो कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बस जरूरत है तो थोड़े से दिमाग की। देखिए ये मैंने एमसील निकाल लिया है और अब मैं कुछ ज्यादा नहीं करना है, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा, इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा लेकर के इनका पेस्ट बना लेना। ओके, चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ। इतना ले लिया ये हमने, इतना ही हमने बराबर बराबर क्वांटिटी में हमने ये दोनों ले लिया। ओके, अब हम इन दोनों को मिक्स कर लें। जो मैंने अपने एग्जॉस्ट पर साउंड चेंजर लगाया है वो मैंने इसी की हेल्प से लगा रखा है और वो बहुत ही मजबूत हो गया, इतना मजबूत कि उस पर आप कितना भी वेट रख दो वो कहीं नहीं जाएगा। ओके, ना ही वो कभी टूटेगा। चलिए अब हमारा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये देखिए इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। ओके, और इसको हम लंबा करके इस तरीके से ऐसे, और उसके बाद अब हम इनको खोल लेते हैं। बस दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ये बिल्कुल ही इस तरीके से सीधा रहे, ठीक उसी तरीके से हम इसको। चलिए अब हम इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक ये सूखता नहीं है। दोस्तों लगभग आधे घंटे इसको सूखने के बाद मैंने उसी तरीके से इस साइड भी, देख सकते हैं आप लोग, इस साइड भी मैंने ये बोल्ट इस तरीके से लगा दिया है। इनका यूज दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं। अब इनको मैं कैसे इसको लगाऊंगा वो दिखा देता हूँ। मैंने इसको बीच में से पहले कट कर लिया है और इस तरीके से गोल काट लिया है। चलिए इसको यूज में दिखा देता हूँ लोगों को। ये हम आप थोड़े बड़े ही कट कर लेना, जब आप अपनी बाइक में इंस्टॉल करोगे तब थोड़े से बड़े कट कर लोगे तो इससे ये होगा ना, इसको साइड से पकड़ मिल जाएगी, तब ये कहीं भागेगा नहीं, इसके टूटने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल मजबूत हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हमने इन चारों को सेट कर लिया है। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जब हम ये पॉइंट्स बनाएंगे उस टाइम पे हमें बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि ये हमारे पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल सीधे हैं। ओके, अगर ये इधर या इधर होंगे या वो इधर उधर होगा तो हमें इस फ्लैप को इंस्टॉल करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब भी आप इसको इस तरह से लगाएंगे तो आप ये श्योर रहें ये बिल्कुल सीधे हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये मैं अपना दूसरा भी खोल के ले आया हूँ इसे अपनी बाइक से। ओके, पहले हम इसमें एक वाश लगा लेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके हाफ पे इसे भी रखेंगे और ये तो बिल्कुल हाफ पे रहेगा। ओके, ठीक उसी तरीके से हम इस पर भी लगा लेते हैं अपने डबल साइडेड टेप को। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ये सेट हो गया है। ओके, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग ये बिल्कुल ही अपने सही तरीके से बिल्कुल सेट हो गया है। ये आप इस पे मत जाना, ये ऊपर से फ्लैश टाइप आ रहा है इसलिए इस तरह से दिख रहा है। ओके, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए आप इस साइड से देखिए, देख सकते हैं बिल्कुल ही सेट है। मैं इसकी आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग,
ये देखिए सबसे बेस्ट चीज ये देखिए बिल्कुल ही सही जगह पे और सही से सेट हो गया ये, ना इधर ना उधर, जैसा इसको होना चाहिए उसी टाइप से हो गया। तो इस तरीके से आप भी अपनी बाइक पल्सर नियॉन पे या पल्सर क्लासिक पे इस तरीके से फ्लैप कवर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने इस पे फ्लैप कवर इंस्टॉल कर दिया, आप देख सकते हैं ये देखिए है ना। आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके टाइट कर लेंगे ओके, और इसे भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके टाइट कर लेंगे, फिर ये कहीं नहीं जाएंगे। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो ये कि जब हम बाइक को अपनी वॉश करें तो बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसे वॉश करना है ताकि इस पर प्रेशर ना पड़े ओके। उसके बाद ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये आपका बिल्कुल मजबूत हो गया और किसी को भी ये नहीं पता लगेगा कि आपने ये खुद से किया हुआ है ओके। देख सकते हैं आप लोग है ना, तो दोस्तों आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियोस अपने इस चैनल पे लाता रहता हूँ, जो चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल है मैं उसे भी पॉसिबल करने की कोशिश करता हूँ, और मैं इसी तरह की मॉडिफिकेशन अपनी वीडियो में लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो में मेरी जरा से भी मेहनत नजर आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें, प्लीज लाइक जरूर कर दें। दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियोस अपने इस चैनल पे लाता रहता हूँ और इसी तरह के आइडियाज मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को देता रहता हूँ, जिससे आप भी अपनी बाइक को मॉडिफाई करके एक अलग लुक, एक अच्छा सा लुक अपनी बाइक को दे सकते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता और मैं नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ।